Our topic है टुडेज लेक्चर इज ऑन आइंस्टाइन पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और यहाँ पे जो फोटो है आपकी वो एच ए लॉरेंज की फोटो है, ये हमारे हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो आइंस्टाइन ने टू पोस्टुलेट्स दिए वो क्या थे। फर्स्ट पोस्टुलेट था द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉसुलेट टू था द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर एंड इज कॉन्स्टेंट सीन ऑल डायरेक्शन। क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद फिर हम इसमें आंसर करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है स्टेट द फंडामेंटल पॉसुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्टेट द फंडामेंटल पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आगे क्वेश्चन है ड्राइव द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ड्राइव द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और इसी में भी आगे कंटिन्यू है शो दैट एट लो वेलोसिटी द इक्वेशन, इक्वेशन से मतलब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, द इक्वेशन reduces, the equation reduces to Galilean transformation equation। तो पहले postulate की बात करते हैं। Einstein ने two postulates दिए हमारी। There are two postulate of special theory of relativity। Postulate one, the fundamental laws of physics have the same form in all inertial frame of reference। Postulate two, the velocity of light in vacuum is independent of relative motion of source and observer and is constant c in all direction। कि जो हमारे fundamental laws है physics के वो same form होगी सभी inertial frame में, और जो हमारी velocity of light है वो constant है, universal constant है जिसकी value c है, और वो relative motion पे depend नहीं करती है source और observer के। ठीक है, तो ये दो हमारे postulates हैं, इसको आप note down करिए। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत थी, क्योंकि जो लाइट की वेलोसिटी पे हमने गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाई थी वो फेल हो गया था, वो नहीं यूज हो पा रहा था, और आइंस्टाइन के जो टू पॉस्टुलेट्स थे उन पे भी वो एप्लीकेबल नहीं था। हमें एक ऐसा नया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए था जो आइंस्टाइन के पॉस्टुलेट्स को भी वैलिड कर सके यूज उस तरीके से। तो लॉरेंज ने एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया जो आइंस्टाइन के पॉस्टुलेट पे को यूज करते हुए था। तो हम क्या कह रहे हैं, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर नॉट सुटेबल अंडर द न्यू कंसेप्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वेयर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर इज कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन उन ऑब्जेक्ट या उन ऑब्जर्वर के लिए वैलिड नहीं हो रहा था जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं या स्पीड ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वहां पे फेल हो जा रहा था, सुटेबल नहीं था। तो हमें एक नया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए था। तो लॉरेंज ने एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डेवलप किया जो हायर वेलोसिटी पे एप्लीकेबल था। हायर वेलोसिटी भी कौन सी, जो कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो लॉरेंज डेवलप एंड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बेस्ड ऑन आइंस्टाइन पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंज इनका नाम है, एच ए लॉरेंज बोल देते हैं हम इनको, हेड्रिक लॉरेंज डेवलप एंड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन based on Einstein postulate of special theory of relativity। तो Lorentz transformation equation heading डालिए और फिर ये लिखिए, जो हमारा Galilean transformation equation है वो low velocity पे applicable है, जबकि जो Galilean transformation equation है वो हमारा higher velocity as well as lower velocity दोनों पर applicable है। higher velocity पे Lorentz transformation equation देखने में अलग लगता है, और लोअर वेलोसिटी पे वो देखने में बिल्कुल गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जैसा लगता है, क्योंकि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लोअर वेलोसिटी पे तो एप्लीकेबल है ही और प्रूफ है ही, है ना। तो मतलब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लोअर वेलोसिटी पे हमारा गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जैसा हो जाना चाहिए, तभी हम ये बोल सकते हैं कि जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो हायर वेलोसिटी एज वेल एज लोअर वेलोसिटी दोनों पर एप्लीकेबल है। तो जो सामने लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो हमें ड्राइव करना है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और सेम वही प्रोसेस है जैसा हमने गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव किया था उसी तरीके से। तो हमें क्या चाहिए, टू फ्रेम्स चाहिए। ठीक है,
एक फ्रेम हमारे पास ऐसे है, एक एस डैश है. इनिशियली द ओरिजिन ऑफ बोथ फ्रेम कॉन्साइड. हम क्या करते हैं, एक पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश. और इनिशियली क्या होगा, दोनों फ्रेम कॉन्साइड कर रहे हैं तो उस केस में कोऑर्डिनेट सेम होंगे, एक्स डैश इक्वल टू एक्स, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी. ठीक है, तो सेम वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पर हम जो वेलोसिटी लेते थे, जिस वेलोसिटी से मूव करता था, कांस्टेंट तो लेते थे लेकिन लोअर वेलोसिटी लेते थे, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी लार्ज हो जाएगी. ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करिए लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और हेडिंग डाल के उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे. लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश. लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश. एस इज एट रेस्ट, एस इज एट रेस्ट, एस इज एट रेस्ट एंड एस डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी वी. S is at rest and S dash is moving with velocity v in positive x direction. Let us consider two frame of reference S and S dash. Initially the origin of both frame coincide. S is at rest and S dash is moving with velocity v in positive x direction with respect to frame S. S dash is moving with velocity v. S dash is moving with velocity v in positive x direction with respect to frame S. At t equal to 0, the origin of both frame coincide. ठीक है, जब t 0 है तो उस केस में दोनों का ओरिजिन एक ही जगह है. तो यहां तक जो लैंग्वेज है सेम ऐसे ही है जैसे हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में किया था. Let x, y, z, t and x dash, y dash, z dash, t dash are the coordinates of point P in frame S and S dash respectively. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के बाद. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट टी इक्वल टू जीरो द ओरिजिन ऑफ बोथ फ्रेम कॉन्साइड. एट टी इक्वल टू जीरो द ओरिजिन और बोथ फ्रेम कॉन्साइड. द ओरिजिन और बोथ फ्रेम कॉन्साइड. ओरिजिन ऑफ बोथ फ्रेम कॉन्साइड. Let x y z t and x dash y dash z dash t dash bracket में है ये दोनों x y z t and x dash y dash z dash t dash are the coordinates of point P in frame S and S dash respectively.
in frame S and S dash respectively. In frame S and S dash respectively. अब ये वाली फिगर बना लीजिए. इनिशियली क्या है, ओरिजिन कॉन्साइड कर रहा है, तो उस केस में x डैश इक्वल टू x से y डैश इक्वल टू y है एंड z डैश इक्वल टू z है और t डैश इक्वल टू t है इनिशियली, जब दोनों फ्रेम एक ही जगह कॉन्साइड कर रहे हैं t इक्वल टू जीरो पे. आफ्टर t टाइम s डैश क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो भी लार्ज वेलोसिटी से, तो क्या होगा, ये शिफ्ट कर जाएगा फ्रेम s डैश के s डैश फ्रेम मूव कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s. तो अगर हमारा ये गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में तो सिमिलर था, सिंपल सा था कि x डैश इक्वल टू x माइनस vt आ रहा था, बट लॉरेंज ने क्या कहा कि x डैश जो है x माइनस vt के इक्वल नहीं होता है बल्कि प्रोपोर्शनल होता है, तो उन्होंने इसको प्रोपोर्शनल मान के सॉल्व किया. और यहाँ पर जो मैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट यूज करूंगी वो मैं बीटा यूज कर रही हूँ, आप बीटा की जगह गामा यूज कर सकते हो, के कर सकते हो, क्योंकि फाइनली तो हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी है, तो कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन के साथ वो है, तो हम लोग बीटा लेके चलेंगे, ठीक है. अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, लॉरेंज ने कहा कि एक्स डैश एक्स इसके इक्वल ना होके बल्कि प्रोपोर्शनल होता है एक्स माइनस वी टी के, और जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो इक्वल टू बीटा, ये मैं यहाँ पे कांस्टेंट बीटा लिख रही हूँ, आप इसकी जगह कोई और भी कांस्टेंट जिससे आपका हाथ इजीली मूव करे वो लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है. एक्स डैश इक्वल टू बीटा एक्स माइनस वी टी. वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है फ्रेम का, तो वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हुए नहीं दिखते हैं, तो वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड, ठीक है. ये हमारा क्या है, फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में है, ठीक है. अब हम इसको इनवर्स लिखना चाहेंगे कि इनवर्स फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होता है. अब हमने ये किसकी लिखा है, बीटा की कोई पर्टिकुलर, मैम ये बीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है. होगी, बिल्कुल होगी, वही तो निकालनी है, वही तो सॉल्व करना है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इनवर्स फॉर्म लिख के देखेंगे इसकी, वो तो हमें फाइंड करनी ही है, उन्होंने कांस्टेंट माना फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू बताई कि ये कांस्टेंट होगा. इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, बीटा की वैल्यू फाइंड करते ही लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी, तो बीटा की तो वैल्यू फाइंड करनी ही है हमें, ठीक है. अब हमें इसे इनवर्स लिखना है, इनवर्स कैसे लिखेंगे कि हमें x की टर्म्स में लिखना है, ठीक है. तो मैं सेकेंड वाले केस के लिए फ्रेम बना दे रही हूँ बस, बाकी तो हमने लिखा हुआ ही है. s s डैश, क्योंकि मैं स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन पे जाती हूँ, उसके बाद जैसे ही चेंज करती हूँ आप लोगों को देखने के लिए उतनी देर में वो गायब हो जाता है, स्क्रीन से सब ब्लैंक हो जाता है, तो इसलिए अब इसको चेंज कर लिया है. तो कहां से स्टार्ट किया कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, लॉरेंज ने क्या कहा, वहां से स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, लॉरेंज ने कहा कि x डैश x के इक्वल x माइनस vt के इक्वल ना होके प्रोपोर्शनल होगा x माइनस vt, और यहां से जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया वैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया बीटा x dash equal to beta x minus vt, equation 1, y dash equal to y, z dash equal to z, ठीक है. अब इतना म्यूट रखा करें माइक. फिर बीटा क्या है यहाँ पर, वेयर बीटा इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बीटा इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. ये तो हमने फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में लिखा है. अब हम क्या करेंगे, इसकी इनवर्स लिखेंगे. इनवर्स
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो इनवर्स हमें मतलब हमें एक्स लिखना है। तो अगर इसको देख के मैंने कैसे बताया था आपको इनवर्स कैसे लिखना होता है कि जो डैश होता है उसको अनडैश बना देते हैं और जो अनडैश होता है उसको डैश बना देते हैं और वी की जगह माइनस वी लिख देते हैं, तो प्लस वी टी डैश एक्स इक्वल टू बीटा एक्स डैश प्लस वी टी डैश इक्वेशन। इसको टू लिखते हैं, इसको थ्री लिखते हैं, इक्वेशन फोर। तो हमारे पास इक्वेशन वन एंड इक्वेशन फोर आ गया। हमें अगर हम देखा जाए अगर हम बीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन या पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन अभी टाइम का नहीं रिलेशन निकाल पाए हैं। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन से एक्स डैश की वैल्यू इक्वेशन फोर में पुट कर देंगे तो हमारा टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी पता लग जाएगा। तो फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ एक्स डैश, पुट द वैल्यू of x dash from 1 in equation 4. Equation 1 से equation 4 में x dash की value put कर देते हैं और फिर t और t dash पे relation आ जाएगा। तो x equal to beta, इस x की dash की जगह हमें x ये रखना है beta x minus vt, beta x minus vt plus वी टी डैश, ये टर्म ऐसे कैसे ही इस एक्स डैश की जगह हमने ये वैल्यू रख दी बीटा एक्स माइनस वी टी। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ रीअरेंज करना है और सिंप्लीफाई करना है, टी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स इक्वल टू बीटा जो यहाँ पर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा स्क्वेयर एक्स माइनस वी टी प्लस vt डैश, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी x इक्वल टू इस बीटा को भी क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीटा स्क्वायर x माइनस बीटा स्क्वायर vt प्लस ये बीटा यहां पर भी आएगा, ठीक है, vt डैश बीटा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहीं पे रखेंगे और इन दोनों वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा बीटा वी टी डैश इक्वल टू, जब इस टर्म को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी माइनस बीटा स्क्वायर एक्स, ये माइनस टर्म इधर उठ के लेफ्ट में आएगी तो प्लस में हो जाएगी प्लस बीटा स्क्वायर वी टी, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बीटा वी एक्स डैश यहां से एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लिया तो वन माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी टी। इस बीटा वी टी को भी हम इसके नीचे लेके जाते हैं तो टी डैश इक्वल टू इसको पहले ले आते हैं इस टर्म को, तो बीटा स्क्वायर वी टी डिवाइड में बीटा वी प्लस ये टर्म ऐसे के ऐसे ही वन माइनस बीटा स्क्वायर और डिवाइड में ये बीटा वी। अब क्या किया, टी डैश बीटा वी टी से डिवाइड कर दिया तो v से v कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बीटा से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बीटा t प्लस, अगर यहाँ पे बात करूं तो सेम यही टर्म रहेगी वन माइनस बीटा स्क्वायर बीटा v। तो t और t डैश में रिलेशन आ गया है। थोड़ा सा इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दो स्टेप, तो फिर क्या होगा डायरेक्ट बीटा और बीटा स्क्वायर की जब हम वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट t डैश हमारा आ जाएगा। तो t डैश और यहां से हम बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बीटा अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा t प्लस, यहां पे बीटा ऊपर नहीं था तो फिर बीटा स्क्वायर हो जाएगा जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर v। और इस बीटा स्क्वायर को भी इस ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हैं तो t डैश इक्वल टू बीटा t प्लस x अपॉन v 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ गई है टी की, टी डैश की, इसमें सिर्फ बीटा और बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास फिर टी डैश भी आ जाएगा। तो एक बार फिर सुनिए हमने यहाँ तक क्या क्या किया।
हमने क्या कहा कि हमने क्या लॉरेंज ने कहा कि लॉरेंज ने ये कहा x डैश प्रोपोर्शनल होता है x माइनस bt के, प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट आया। यहाँ से मैं लेजर पॉइंट से कर लेते हैं। क्या कहा x डैश इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस bt, प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट आया बीटा, x डैश इक्वल टू बीटा x माइनस bt। बस इस बीटा की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगा, y डैश इक्वल टू y एंड z डैश इक्वल टू z। इसी इक्वेशन को हमने इनवर्स फॉर्म में लिख दिया, हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट भी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कि सेम फॉर्म होना चाहिए। तो x इक्वल टू बीटा x डैश प्लस bt डैश इक्वेशन 4। हमें क्या करना था, हमें t और t डैश में भी रिलेशन चाहिए था, तो हमने इक्वेशन 1 से x डैश की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दी और t डैश को कैलकुलेट कर लिया। तो इक्वेशन 1 में हमारा x डैश है बीटा x माइनस bt, जब इसमें इसकी जगह रखा बीटा x माइनस bt तो हमारा ये इक्वेशन आया। हमने बीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आया बीटा स्क्वायर x माइनस bt प्लस bt डैश बीटा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या किया, इस बीटा को स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो x इक्वल टू बीटा स्क्वायर x माइनस बीटा स्क्वायर bt प्लस bt डैश बीटा। फिर इस bt बीटा bt डैश को यहीं फिक्स रखा, इन सारी टर्म्स को, इन दो टर्म्स को भी लेफ्ट साइड लेकर आ गए। तो ये पॉजिटिव था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये पॉजिटिव हो गया। फिर इस टर्म में से हमने यहाँ पे से x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर bt। फिर अब बस इसको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है और सिंप्लीफाई करते चलना है। तो इस बीटा bt को डिवाइड में ले गए तो t डैश इक्वल टू बीटा स्क्वायर bt अपॉन बीटा v प्लस x 1 माइनस बीटा स्क्वायर बीटा v। फिर बीटा से बीटा स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ बीटा t बचा। यहाँ पर ये टर्म ऐसे के ऐसे ही नोट डाउन कर ली। फिर इस पूरे में हमने बीटा कॉमन ले लिया तो t डैश इक्वल टू बीटा t प्लस, यहाँ पे से बीटा कॉमन लिया था तो स्क्वायर हो गया, नीचे बीटा की जगह बीटा स्क्वायर हो गया, x 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू वी। अब ये बीटा स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट में अंदर ले गए तो x अपॉन वी ये यहाँ पे ऐसे ही लिख लिया 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1। इस बीटा की और बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखने पे, इसकी वैल्यू रखने पे ये हमारा टी डैश आ जाएगा। यहाँ पे बीटा की वैल्यू रखने पे हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट का लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगा। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बीटा फाइंड करना है। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम अब बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। किसी के साथ भी ले सकते हैं तो पूरे के साथ है ना, तो x अपॉन b लिख लिया, साथ में ये बीटा स्क्वायर इसके अंदर ले गए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें बीटा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या कहा कि पी पॉइंट पे कोई सोर्स रखा है, इफ सोर्स सोर्स को एस नाम दूंगी तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है सोर्स ही लिख देते हैं, सोर्स इज प्लेस्ड, इफ सोर्स इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। हमने एक लाइट सोर्स लिया, सोर्स भी क्या लिया, लाइट सोर्स लिया, अ लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी एंड इट इज स्विच्ड ऑन, या व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, when it is switched on, then distance traveled in frame, yeah, with respect to frame s and s dash,
ठीक है, तो हमारा अगर हम एस फ्रेम की बात करें तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बता रहे हैं कि लाइट कितना चली, तो एक्स यहाँ पर हमारा सोर्स रखा था, जैसे ही हमने उसको ऑन किया तो लाइट क्या है सब डायरेक्शन में मूव करेगी। सिर्फ हम एक्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन दोनों फ्रेम के लिए सेम है, क्योंकि हमारा जो फ्रेम है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो लाइट वाई और जेड डायरेक्शन में दोनों के लिए सेम रहेगी, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में अलग अलग दिखेगी। तो फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में कितना मूव करेगी, क्योंकि लाइट चलती है सी वेलोसिटी से, फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में जो टाइम होगा टी होगा, तो एक्स डायरेक्शन में जो चलेगी डिस्टेंस एक्स इक्वल टू सी टी। वहीं पे फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में यानी कि एक्स डैश, लाइट की वेलोसिटी तो दोनों फ्रेम में सेम ही होगी, क्योंकि हमारा सेकेंड पोस्टुलेट जो है रिलेटिविटी का वो यही बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, दोनों फ्रेम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है वो सी ही रहेगा, लेकिन टाइम दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में टी डैश है, तो एक्स डैश इक्वल टू सी टी डैश, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7। अब क्या करेंगे, इस एक्स और एक्स डैश की वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 4 में पुट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर से सुनिए, यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने लाइट सोर्स ले लिया, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी से क्या चीज चल सकती है जो हमें इजिली मिल सकता है, लाइट ही मिल सकती है, तो हमने लाइट सोर्स ले लिया और लाइट सोर्स को पी पॉइंट पे प्लेस कर दिया और स्विच को ऑन कर दिया। तो जैसे ही लाइट हमने ऑन की, लाइट ने मूव करना स्टार्ट किया पी पॉइंट पे, ठीक है, ना हमने पैसेंजर लिया ना हमने बॉल ली, हमने सीधा लाइट सोर्स ले लिया। तो जैसे ही हमने उसको ऑन किया, लाइट ने मूव करना स्टार्ट किया, एक्स डायरेक्शन में किया उसने सी टी और विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, और एक्स डैश इक्वल टू सी टी डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, और वाई डायरेक्शन में दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में और जेड डायरेक्शन में दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या किया, इक्वेशन 6 और 7 से एक्स और एक्स डैश की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 एंड 4 में पुट किया। इक्वेशन 6 और 7 से आया मैम, लाइट ऑन की, लाइट ऑन करेगी तो बेटा लाइट वहां पे तो रुकेगी नहीं पी पॉइंट पे, जैसे ही ऑन करोगे तो क्या होगा, लाइट ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी एक्स डायरेक्शन में भी वाई में भी, क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो चारों डायरेक्शन में मूव करेगी। फिलहाल हम बाकी डायरेक्शन इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम है। तो एक्स डायरेक्शन में लाइट कितना चलेगी, सी वेलोसिटी से टी टाइम में, कब हमने ऑन किया, इनिशियली दोनों एक ही जगह रखे थे, जैसे ये मूव होना स्टार्ट हुआ वैसे ही हमने लाइट ऑन किया, तो जैसे जैसे फ्रेम आगे चलेगा वैसे वैसे लाइट भी आगे चलेगी, लेकिन लाइट फ्रेम की वेलोसिटी से तो मूव नहीं करेगी, लाइट अपनी वेलोसिटी से मूव करेगी। तो सी वेलोसिटी से लाइट चलती है तो एक्स डायरेक्शन में एक्स फ्रेम के रिस्पेक्ट में सी टी चलेगी और फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में सी टी डैश चलेगी। ठीक है, तो ये हमारी कहीं से नहीं आ रही है, हम सिर्फ क्या करते हैं डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो रखा है वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में टाइम टी है, फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में टाइम टी डैश है। एक्स और एक्स डैश क्यों ले रखा है, फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस एक्स है, फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में एक्स डैश है, इसलिए हमने इसको डैश और अनडैश से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो अलग अलग जगह है, एक ऑब्जर्वर ओ है एक ऑब्जर्वर ओ डैश है, तो ऑब्जर्वर ओ के लिए तो डिस्टेंस एक्स इक्वल टू सी टी होगा, और जो ऑब्जर्वर ओ डैश है उसके लिए जो लाइट चल रही है वो सी टी डैश चलेगी, है ना, जो भी उसके फ्रेम में टाइम होगा। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 6 और 7 को इक्वेशन 1 एंड 4 में पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x and x dash in equation 1 and 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और बीटे की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, x और x dash की वैल्यू इक्वेशन 1 और 4 में पुट करती हूँ और इनको मल्टीप्लाई करके बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। आप इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हो, या ये कर सकते हो यहाँ से x dash की वैल्यू पहले यहाँ पुट करो, फिर x इक्वल टू सी टी रखो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर बीटा की वैल्यू फाइंड करो। आपको कैसे बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ये आपके ऊपर है,
मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को बहुत इजी लगता है ये मेथड, इक्वेशन वन और इक्वेशन फोर में एक्स और एच डैश की वैल्यू पुट करके सीधा इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आंसर तुरंत आ जाता है। तो अगर यहाँ तक नोट डाउन कर लिया तो बता दीजिए, फिर मैं स्क्रीन को क्लियर कर लूंगी। इक्वेशन फाइव कहाँ पुट होगी सर? इक्वेशन फाइव जो हमने अभी इतना करके निकाली है टी डैश, हाँ जी, तो मैम इसका क्या यूज होगा अभी? इसका यूज होगा अब हम जब इसमें बीटा और बीटा, जब बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो बीटा और बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके हम टी डैश का लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल लेंगे टाइम का। ओके, ये दोनों फ्रेम में टाइम में क्या रिलेशन है, एक्स का तो हमारा इक्वेशन वन से आ जाएगा, वाई और जेड डायरेक्शन में फिलहाल कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमारा फ्रेम जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और टाइम का लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगा इक्वेशन फाइव में पुट करती वैल्यू बीटा की, क्योंकि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो हम ये कहते थे कि टी इक्वल टू टी डैश है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में जब फ्रेम मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो टी इक्वल टू टी डैश नहीं रहता है, दोनों के लिए जो टाइम है वो डिफरेंट होता है, जो मूविंग फ्रेम है उसके लिए अलग टाइम है और जो स्टेशनरी फ्रेम है उसके लिए अलग टाइम है। चलिए तो इक्वेशन लेकिन लिख लेती हूँ, किस किस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। एक हमें करना है x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी इक्वेशन वन, और दूसरा था हमारा x इक्वल टू बीटा x डैश प्लस बीटा वी टी डैश इक्वेशन टू, और हमारा था x डैश इक्वल टू सी टी डैश और x इक्वल टू था सी टी, ये वैल्यूज पुट करनी थी। तो पहले इक्वेशन वन देखते हैं, इक्वेशन वन में जब एक्स डैश की जगह सी टी डैश रखेंगे तो सी टी डैश इक्वल टू बीटा, यहाँ एक्स है तो इस एक्स की जगह जब वैल्यू रखेंगे तो सी टी माइनस वी टी, और यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो दोनों में टी कॉमन है तो टी हम कॉमन ले सकते हैं, तो सी माइनस वी, तो सी टी डैश इक्वल टू बी टी वी माइनस सी, इक्वेशन कहाँ तक आ गई थी, सिक्स तक, सेवन तक है ना? ये इक्वेशन सिक्स है। नहीं सिक्स तो, सिक्स और सेवन तो मैंने लिख दिया था ना इस इन दोनों को। हाँ जी मैम, ये टाइप है। इसको सिक्स कह दिया था, इसको सेवन कह दिया था, तो इक्वेशन एट होगा, तो इक्वेशन एट आ गया। फिर ऐसे इक्वेशन टू में एक्स इक्वल टू सी टी रखेंगे और एक्स डैश इक्वल टू सी टी डैश, तो रखते हैं सी टी इक्वल टू बीटा सी टी डैश प्लस बी टी डैश, यहाँ पे भी हम टी डैश कॉमन ले सकते हैं, तो बीटा टी डैश सी प्लस वी, इक्वेशन नाइन। तो ध्यान से देखो, अगर इक्वेशन एट और इक्वेशन नाइन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इजी है मुझे सॉल्व करना, मुझे तो बीटा की, फाइनली मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो फ्रॉम इक्वेशन एट मल्टीप्लाई नाइन, और इक्वेशन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा सी टी डैश इंटू सी टी, और इसको मैं लिख सकती हूँ सी स्क्वायर टी टी डैश। अब इधर राइट साइड की बात करते हैं, बीटा टी सी माइनस वी मल्टीप्लाई बीटा टी डैश सी प्लस वी, तो बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर टी टी डैश, और अगर मैं इस टर्म को देखूं ये है सी माइनस वी ये है सी प्लस वी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ देखिए टी टी डैश दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और सी स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर भी सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गया। अब बीटा की वैल्यू आ गई है, बीटा की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करिए, इक्वेशन फाइव में पुट करिए और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख दीजिए। तो बीटा की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फाइव की बात करूं तो मुझे वहां पर वन अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, तो वो यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बीटा अगर हमारा ये है तो वन अपॉन बीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर,
और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो सिंपल है, 1 अपॉन बीटा की जगह, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं, वैल्यूज पुट करिए और एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश कितना है मुझे बता दीजिए। ठीक है, क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा वन अपॉन बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन 5, तो टी डैश आ जाएगा और खाली बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो x डैश आ जाएगा, ठीक है, यहां से x डैश आएगा, यहां से t डैश आएगा। तो x डैश और t डैश की वैल्यू मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है। फिर से इतने मैं रिपीट कर रही हूँ जितना मैंने लिखवाया है, आप नोट डाउन कर रहे हो जिसका हो चुका है उसके लिए। क्या कहा, x डैश इक्वल टू बीटा x माइनस vt होता है, x इक्वल टू बीटा x डैश प्लस vt डैश होता है। हमने एक लाइट सोर्स लिया, लाइट सोर्स को ऑन किया तो x डायरेक्शन में जो लाइट चल रही है वो चल रही है फ्रेम s के रिस्पेक्ट में ct, फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में ct डैश। हमने ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट की, इक्वेशन 8 एंड 9 आई, इक्वेशन 8 और 9 को दोनों को मल्टीप्लाई किया और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहां से हमने 1 अपॉन बीटा स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर आता है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो बीटा और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करके टी डैश कैलकुलेट करिए और इक्वेशन 1 में पुट करके टी डैश कैलकुलेट करिए। तो अगर इधर का हो गया है तो मैं इधर का क्लीन कर देती हूँ जिससे टी डैश कैलकुलेट करके बता दूं कि टी डैश कितना आ रहा है। जो हमारी अब लास्ट में चार इक्वेशन आएंगी तो वो चारों इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि वो चारों इक्वेशन अगर हमें याद होंगी तभी हम लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, टाइम डायलेशन, एडिशन ऑफ वेलोसिटी जो हमारे एक्सप्रेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। एक्स डैश इक्वल टू बीटा की वैल्यू देखो पुट करते ही आएगा हमारा x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, बीटा की वैल्यू रख देंगे जब। y डैश इक्वल टू y रहना है, z डैश इक्वल टू z रहना है और जब हम बीटा और वी वन अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो t डैश आएगा हमारा, t डैश इक्वल टू t माइनस वी अपॉन x, नहीं वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मैम इधर वाला इरेज कर दीजिए, करिए माइक पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, पहले टी डैश कैलकुलेट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 5 में लिख देती हूँ, टी डैश हमारा क्या था, टी डैश इक्वल टू बीटा टी प्लस एक्स अपॉन वी 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1, यही था ना, मुझे बताइए मैंने यहीं पे छोड़ा था क्योंकि हाँ ये स्टेप ऐसे याद नहीं होते, आपको मेन स्टार्टिंग और वही पता होता है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, बीटा की और बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो टी डैश बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी डैश प्लस एक्स अपॉन वी और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। तो माइनस वन से ये वन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचा, ये भी इस वी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। तो टी डैश इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी डैश ये माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है टी की टर्म्स में।
तो t और t डैश में क्या रिलेशन होता है, t डैश इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इक्वेशन टू इसकी बात करते हैं, बीटा की वैल्यू इक्वेशन वन में रखते हैं। इक्वेशन वन तो हमारी सिंपल थी, x डैश इक्वल टू x बीटा x माइनस वी टी, तो डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी और बीटा की जगह वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये भी हमारी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो ये चारों इक्वेशन आ जाएंगी, y इक्वल टू y डैश एंड z इक्वल टू z डैश, दीज आर द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई है तो इनवर्स हम लिख सकते हैं। इनवर्स के लिए मैंने आपको रूल बता ही रखा है कि जो डैश है उसको अनडैश करेंगे, जो अनडैश है उसको डैश करेंगे और v की जगह माइनस v लिखेंगे। और ध्यान रखिए v की जगह माइनस v तो लेंगे, v का स्क्वायर जब वो करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यानी कि अंडर रूट वाली जो टर्म है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ही रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें माइनस v की जगह माइनस v हो जाएगा, तो ये प्लस में बदल जाएगा। Yes, ma'am. ये नोट कर लिया है, तो एक बार मैं दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, तो जिसमें यहाँ पे देख रहे हो कि माइनस में साइन है, ठीक है। x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये माइनस प्लस में हो जाएंगे जब हम इनवर्स लिखेंगे। तो इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, x इक्वल टू x डैश प्लस वी टी डैश अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि वी की जगह जब माइनस वी रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो वो वापस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, टी इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है और इससे आगे का अब हम कल करेंगे।